मास्क पहना रखा है और क्या पता नहीं क्या क्या लिख रखा है मूर्ति के ऊपर। जब अगर किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करनी, खराब भी क्यों करना। इसे उतार दूंगा। तो भैया आपको कैसा लगेगा अगर आप अपना कल्चर जिस कंट्री से आप आए हो वहाँ की बातें किसी और कंट्री में देखो, वो भी एक छोटी सी सिटी के अंदर? भाई मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगेगा सही में। अभी थोड़े दिनों पहले मेरे को थोड़ा काम था, अपना पढ़ाई का थोड़ा काम था, तो मुझे प्रिंटआउट्स वगैरह निकालने थे, तो मैं गया लाइब्रेरी में क्योंकि वो प्रिंटर्स लाइब्रेरी में होते हैं। भाई वहाँ जाके मैंने क्या देखा, महाभारत, रामायण और इतनी सारी बुक्स, इतने सारे एंशियंट लिटरेचर, हिंदी और हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, हर लैंग्वेज में। भाई सही में मैं तो देखता रह गया, मैं जो काम करने गया था वो भूल गया और मैं सब देखने लगा। तो भाई मैंने सोचा वो आप सबको भी दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पे है। और यहाँ पे भाई महात्मा गांधी का स्टैचू भी है, एक पूरे कैंपस में एक ही स्टैचू बना है, वो भी एक इंडियन का। तो आपको कैसा लगेगा भाई, प्राउड होगा बहुत। तो मैं अभी चलता हूँ, सब दिखाऊंगा, लाइब्रेरी जा रहा हूँ, पूरा टूर दिखाऊंगा अच्छे से। थोड़ा लंबी होगी वीडियो, बट भाई सही में मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा यार कि अपना जो हमने पढ़ी है बुक्स अपनी लैंग्वेज में, हम किसी और कंट्री में देख रहे हैं और वो भी, और हमारे एक इंडियन की स्टैचू भी है वहाँ पे, जो पूरे कैंपस में बस एक ही स्टैचू, वो भी एक इंडियन का, तो कितना अच्छा लगेगा। तो भाई वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक देखना और बड़ा मजा आएगा। ये बस यार अभी ये ट्रैम से उतरो, ये आमस्टाइनटोर एरिया है यहाँ का, जो एक एरिया मतलब नॉर्मल कह सकते हैं। यहाँ पे ये चल रहे हैं फाउंटेन वगैरह और मुझे यहाँ जाना है। तो ना भाई ये पूरा स्टाइनटोर कैंपस है, जैसे यूनिवर्सिटी की फैकल्टी होती है वैसी एक फैकल्टी इसमें से एक है। वैसे तो यहाँ की यूनिवर्सिटी की कम से कम 12 से 13 लाइब्रेरीज हैं शायद, हर फैकल्टी की अलग अलग लाइब्रेरी, बट मैं यहाँ पे आया था प्रिंट निकालने क्योंकि पहले यही खुली थी, अब और भी खुल गई हैं। तो यहाँ पे ये मेन लाइब्रेरी है लिटरेचर वगैरह वर्क के लिए, इसलिए यहाँ पे सारा इंडियन बुक्स पड़ी हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ अभी, बस अभी जा रहा हूँ, वो गांधी जी की मूर्ति के जहाँ बताया था मैंने, यहाँ सामने है ये लाइब्रेरी है, अभी यहाँ जाऊँगा। ये पूरा कैंपस बना हुआ है और भाई यहाँ पे मूर्ति लगी है, एक चीज़ देखी मैंने, चलता हूँ आगे। ये देखो भाई ये मूर्ति है यार, एक बात मुझे समझ नहीं आती ये क्या लगा रखा है। ये देखना मास्क पहना रखा है और क्या पता नहीं क्या क्या लिख रखा है मूर्ति के ऊपर। जब अगर किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करनी, खराब भी क्यों करना। इसे उतार दूंगा। ये यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं सारा, भाई मुझे समझ नहीं आता, अगर किसी चीज़ को कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी तो एटलीस्ट उसको ख़राब तो मत करो। भाई मास्क पहना रखा है एक मतलब, और इतना सारा मूर्ति पे कुछ ना कुछ लिख रखा है, भाई अच्छा नहीं लगता ऐसे। इन्होंने इस सारा कर रखा है, ख़राब कर रखी है पूरी। एक तो बिल्कुल कैंपस में देखा होगा, एक लगी है स्टैचू, वो भी एक महात्मा गांधी इंडियन का, इतना रीनोन्ड वर्ल्ड वाइड नेम है, सब ऐसे ख़राब कर रहे हैं। ये तो भाई पता नहीं क्या आई है ऐसा भी इतने डेवलप्ड कंट्री में। पर अब मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी में, वहाँ का दिखाता हूँ सारा। भाई ये लाइब्रेरी का गेट है, तो जब हम लाइब्रेरी में घुसते हैं सबसे पहले हमें चेक इन करना होता है, जो हमारे यूनिवर्सिटी के कार्ड से होता है। तो एक तरह से चेक इन करके हम अंदर जाते हैं और हमें एक फिक्स सीट मिलती है अपनी, कह सकते हैं आप फिक्स सीट मिलती है। और जैसे प्रिंटर यूज़ करना है तो जैसे कंप्यूटर्स लगे हैं वहाँ पे अपना नाम डालोगे और आपका यूज़र नेम आएगा, जैसे ये दिखा रहा है आपका पूरा नाम आता है, अपनी यूनिवर्सिटी की आई डी डालोगे तो नीचे पेन ड्राइव लगाई वहाँ से आप कर सकते हो नॉर्मली प्रिंट। जैसे ये है, आपने इसको जो भी प्रिंट करना है वो सामने आया, उसको कंट्रोल पी दबा के आपने प्रिंट की कमांड दे दी और पूरी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रिंटर्स लगे हैं, आप कहीं भी जाके अपना कार्ड डालोगे वो कमांड वहाँ पहुँच जाएगी, आप ऑटोमेटिकली आप प्रिंट निकाल पाओगे। तो ये सारा सीन होता है जो भी आपको प्रिंट करवाना हो लाइब्रेरी में। तो जैसे वहाँ कमांड देने के बाद ये कार्ड डाला है इसके अंदर, ये प्रिंटर के साथ जुड़ी हुई मशीन है, यहाँ पे आ जाता है कि आपको प्रिंट पे दबाना है, प्रिंट पे क्लिक करा जैसे, तो फिर आपके जो भी वहाँ पे कमांड दी थी वो आ गई इसके ऊपर, आप इस पर क्लिक कर दो कि मेरे को इसको प्रिंट करना है, तो फिर वो चली जाएगी उसके पास प्रिंटर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन, वो प्रिंटर जो है ये प्रिंट करके दे देगा पेज। और ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं होती, काफ़ी कम कॉस्ट है, शायद 0.005 सेंट्स पर पेज ब्लैक एंड वाइट का, और ये ऐसे आ जाता है और ये मतलब पूरा हो गया प्रिंट।
एंड इसके बाद जब आपने यूज कर लिया कंप्यूटर तो वहां से आप साइन आउट कर सकते हो। और फिर अब चलते हैं बुक्स की तरफ। यहाँ पे देखो भाई, इंडियन कल्चर, ये सारी बुक्स हैं यहाँ पे, स्टडीज इन इंडियन प्लेस नेम्स। भाई बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे देखोगे तो इंडिया टुडे न्यूज़पेपर 2005, 2005 इंडिया टुडे, 2003 द वॉइस ऑफ अहिंसा मैगजीन से सारी प्रोस्पेक्टिव इंडियन सारी। भाई बहुत ज़्यादा बुक्स हैं यहाँ पे, ये मैगजीन्स देखूँगा, सारी मैगजीन्स हैं। ये भी इंडिया टुडे मैगजीन्स है, सारी अलग अलग सालों की। भरी हुई हैं बुक्स भाई। ये देख रहे होगी शेक्सपियर यार्स बुक, कितनी पुरानी बुक है रखी हुई है। ये हिन एंड गाइस्ट, ये भी कितनी पुरानी बुक है। इंडिया इंडिया सारी इंडिया की बुक्स हैं। इंडिया देखोगे डॉक्टर रामशरण शास्त्री द ग्रेट जर्नल ऑफ द ग्रेटर इंडियन वॉल्यूम जर्नल ऑफ इंडियन फिलोसफी। सारी भाई सारी इंडियन बुक्स, इंडिया के रिलेटेड बुक्स हैं सारी, ऊपर भी सारी इंडोलॉजी। वैशाली इंस्टीट्यूट रिसर्च, ये सारे देख रहे हो भाई बुक्स बुक्स सब भरी हुई है। यहाँ पे सीटिंग के लिए क्योंकि कम कोरोना की वजह से कम है, तो फिर ये मुझे सीट नंबर दिया है। यहाँ पे चार्जर है, ये लाइट है, नेट है, सब चीज़ें हैं बिल्कुल शांति से पढ़ने के लिए। दूर दूर बच्चे बैठते हैं, अभी कोई नहीं आ रखा, पर नोटिस सारा भाई उधर फैला हुआ, इधर बुक्स ही बुक्स हैं। सॉरी वीडियो के बीच में इंटरप्ट करने के लिए, बट मैं अभी वीडियो एडिट कर रहा था और जो मैंने लास्ट पार्ट डाला उसके रिगार्डिंग थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आपको बताऊं। तो अभी आपने देखा होगा कैसे उन्होंने चार्जिंग के स्पॉट्स दे रखे हैं और नेट का भी स्पॉट दे रखा है कि आप सब यूज़ कर सकते हो। तो भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे एजुकेशन पे कितना स्पेंड होता है। मेरी यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, बट यहाँ पे 182.9 मिलियन यूरोस बजट है इनका। और अगर रैंकिंग वाइज देखें तो टीयू म्यूनिख फर्स्ट पे आती है और उसका बजट अप्रॉक्स 1800 to 1900 मिलियन यूरोस उसका बजट है। तो भाई आप सोच सकते हो यहाँ पे पढ़ाई पे कितना सीरियसली लिया जाता है और बजट कितना ज़्यादा है। अभी कोरोना की वजह से तो इन्होंने रिजर्वेशन का सिस्टम लगा रखा है, बट जब रिजर्वेशन नहीं थी, जब सारे बच्चे कोई भी आ सकता है डायरेक्ट लाइब्रेरी में, अभी अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ता है, तो भाई कितने सारे बच्चे आते होंगे, सबके लिए रिजर्वेशन करना, सबको इंटरनेट प्रोवाइड करना, सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, किसी का वाईफाई या चार्जर अपना लैपटॉप चार्ज करना है तो उसके सबका। तो भाई देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और वाईफाई पूरे कैंपस में भी फ्री होता है और काफ़ी अच्छी स्पीड होती है वाईफाई की। तो भाई ये सब होता है। अब आगे बुक्स देखो आप, बस यहाँ पे सारी जापानीज बुक है। ये शायद रशियन, देखो महाभारत, ये महाभारत जर्मन में। महाभारत महाभारत सॉरी भगवद गीता।
अलग अलग लैंग्वेजेस में भगवद गीता। देखो भाई यहाँ पे पुराण सारे, अग्नि महापुराण, भगवद गीता, भगवद गीता एज इट इज, वाल्मीकि रामायण, पुराण सारे, योगा, द ग्रेट तंत्र, तंत्र, इंडियन काव्य, संस्कृत, सॉरी वो क्या, हार्वर्ड एनाथोलॉजी ऑफ संस्कृत कोड, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में ओरिजिन जो जैसे लिखी गई होगी, बाकी गुरु पुराण बहुत चीजें भाई। यहाँ देखो भाई तत्व, सिस्टम ऑफ लॉजिक, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन फिलोसफी, कंप्लीट फ्रॉम वर्क ऑफ श्री शंकराचार्य, ब्रह्म विद्या, योगा, एंशियंट सर्वे ऑफ इंडियन ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, संस्कृत पोएटिक्स, यहाँ पे बंगाली, ओरिया, मराठी सारी, तमिल, ईरान, तिब्बत, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म सारे, इस्लाम, इस्लाम क्रिश्चियन सारे रिलीजन्स का यहाँ पे, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका, इंडियन माइथोलॉजी, रिलीजन्स ऑफ इंडिया, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिख, सिख रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कुरान, साइंस ऑफ कुरान, ये मुस्लिम्स यहाँ पे है, सारे रिलीजन का यहाँ पे बहुत अच्छा है, सही बात है। ये सारा वुमेन के बारे में, वुमेन एंड एजुकेशन, द रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन सिखिज्म, यहाँ पे राजा बीरबल, बीरबल, अशोक, वैदिक इंडिया, राजवाड़ास, ब्रिटिश इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, टेररिज्म इन बंगाल,
बापू, महात्मा गांधी के सारे, नेहरू, विठल भाई पाटिल, इंडिया, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, टैक्सेशन इन इंडिया, कश्मीर, हेरिटेज ऑफ कश्मीर, सेक्युलरिज्म, सारी बुक्स हैं यहाँ पे, रिलीजन ऑफ इंडिया, प्लीज एंड स्ट्रगल्स इन इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द श्रीलंका रीडर, सत्यम एव जयते, ये सारा वुमेन के बारे में, वुमेन एंड एजुकेशन, द रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन सिखिज्म, पूरा वहां से लेके एंड तक सब इंडिया के ऊपर है, सारा इंडियन बुक्स, लैंग्वेजेस, सब कुछ। वही बस यहीं तक थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा बोला नहीं क्योंकि मैं दिखा रहा था, और यार बुक्स ही मेन तो वही दिखाने गया था, लाइब्रेरी वहाँ पे देखी होंगी यार कितनी सारी बुक्स हैं भाई। बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी चीज़ें देखो किसी और कंट्री में तो। पर भाई जो स्टैचू के साथ करा था वो सही नहीं था भाई, मैंने उसी टाइम मतलब मास्क हटा दिया, वहाँ पे फेंक दिया मैंने डस्टबिन में, क्योंकि सही नहीं था। और लोग भी इतने सारे देखते हैं, पता नहीं कौन ऐसे कर देता है, बट फिर भी सही था एट द एंड। सारी लाइब्रेरी मैंने आपको दिखाई, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना भाई कि कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी दिखाना, और चैनल को अगर सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब भी मार देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अच्छी लगी तो लाइक करो, दोस्तों को दिखाओ, और बाय।